आप देख सकते हो मैं भैया के घर आया हूँ। उन्होंने आज जो है ये दोपहर का टाइम था तो फिशिंग करने गए। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो तेलीपिया है और काफ़ी है। तो आप देख सकते हो भैया का ये डीआईवाई पॉन्ड आपने देखा ही होगा, तो इसमें हम चलिए इसमें रिलीज कर देते जितने फिशेज हम लोग आए हैं। अभी तो थोड़ा सा जो है पानी थोड़ा क्लाउडी है बट बाद में सेटल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतना भी ये जो बकेट वगैरह है आप देख सकते हैं। गोपाल क्या कर रहा है भैया, थोड़ा हेल्प करो पकड़ने। ओ हाय गाइस, गोपाल आज कुछ करने वाला है। तो ये जो है डीआईवाई फिल्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं घर में। हम लोग कैसे बनाते हैं एक्चुअली, आप इसको जो है अपने बड़े से बड़े पॉन्ड में भी और एक्वेरियम पे भी यूज कर सकते हो। छोटा बकेट देना। फर्स्ट टाइम जो बनाने जा रहा हूँ और भैया मुझे बहुत सारे हेल्प किए हैं बनाने में, तो भैया को भी जरूर सपोर्ट करें। उनका वीडियो आ चुका है तो जरूर जाके देखें। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुछ, जैसे कि आपको एक बकेट चाहिए। एक बकेट चाहिए कितना लीटर का है? 10 लीटर का। अगर आप तो छोटा एक्वेरियम है 4 से 5 फीट का, तो आप छोटा घर पे कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। बड़े पॉइंट के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बकेट यूज करो। और इसका क्या नाम है? यूनियन है। और ये टी पाइप जैसा आप देख सकते हैं करके, इसमें होल्स भी जरूरी है करना होगा इस तरह से। और आपको जो कुछ यहाँ पे सिरेमिक बॉल्स यूज कर सकते हो, फिर बायो रिंग्स यूज कर सकते हो, और मॉस्क्यूटो नेट ऑनियन बैग जो भी फिल्टर प्लस बहुत सारा। हाँ क्लॉथ छोड़ के क्लॉथ यूज नहीं करें। तो पहले इसको लगाओ जैसे था। सो गाइस देखिए गोपाल फुल एक्शन एकदम। गोपाल अभी लगाएगा इसमें। तो आप होल्स थोड़ा नीचे कीजिएगा बाल्टी से, 2 इंच नीचे करिएगा। 1-2 इंच नहीं, 1 इंच नीचे करने से एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे इस जगह पर तो आपको फिटिंग्स करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर उधर से लगाना होगा। इसको 1 इंच यूनियन बोलते हैं, 3/4 का भी आता है। 1/2 इंच यूज़ मत कीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा। 3/4 नहीं तो 1 इंच का। फिर यहाँ से आपको जो अच्छी तरह से टाइट करना है, ये जैसे अभी छोटा है अच्छा से टाइट कीजिए। ये जैसे छोटा है इसको बड़ा करने के लिए आपको एक सॉकेट लगाना होगा। वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में लगाऊंगा। एक सॉकेट लगा के आप एक्सटेंड कर सकते हैं पाइप, फिर होल्स करके आप नीचे ड्रिप कर सकते हैं। तो उसके बाद ये वाला लगाओ इसको इस तरह से। हाँ इसका ऐसा रहेगा। और इसका जो इसके साथ लेवल थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ये जो है ना लेवलिंग, इससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे नहीं थोड़ा ऊपर। क्योंकि जब यहाँ से पानी जब घुसेगा पाइप से, तो ये अगर नीचे हो जाएगा ना तो कुछ काम करना है, इसके लिए थोड़ा ऊपर आपको पानी जो फ्लो बैक हो जाएगा। हाँ, फ्लो बैक हो जाएगा। अब तो इसे लगाने का पहले हम इसे रैप कर लेंगे। हल्का रैप कर, लूज रैप दे सकते हैं आप इसमें, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह। नीचे भी थोड़ा दो। रेडी हो गया। अब आप इसको प्लेस करेंगे मेरा कौन सा पॉइंट पे? डीवाई पॉइंट में जो कोई रिसेंटली बनाए थे ये लोग मिस किया था। तो वहाँ पर हम मैंने बोला था कि वो वाला बकेट थोड़ा हेवी हो रहा था, बड़ा साइज का था देखिए वहाँ पर, तो उसको हम लोग चेंज करके ये छोटा वाला लगाएंगे। चलो तो आप देख सकते हो तो वहाँ पे एक पावर हेड फिल्टर है, आपको शायद दिख नहीं रहा क्लियरली। तो यहाँ पे जो पावर हेड का जो वॉट है 45 वॉट है, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो एक पाइप निकला हुआ है इसे हमें कुछ इस तरह से ऊपर में सेट करना है, ताकि यहाँ से जो पानी फ्लो करके फ्रेश वाटर यहाँ पे फिल्टर वाटर जो बाहर आ सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना डर्टी वाटर आपको दिख रहा होगा, बट ये कुछ 2-3 घंटे में जो फिल्ट्रेशन होने के बाद काफ़ी साफ हो जाए। तो बट आप जब भी कुछ ऐसा फिल्ट्रेशन यूज़ करो तब ध्यान रखना कि इसका जो मोटर का जो हेड है, मतलब ये आउटलेट वाला जो है, वो कुछ इस तरह से सर्कुलेट, मतलब एक राउंड तरह का सर्कुलेट होना चाहिए। घूम रहा है, देखो ना मछली देख सकते हैं घूम रहा है। हाँ
इस तरह से अच्छा फिल्टर होगा, फिश भी खिलेगा, फिश भी है जो मूवमेंट करते रहेगा। तो आपको ये वीडियो जरूर बताना कमेंट में ये कैसा लगा, और मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी जरूर कर देना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सत्यजीत पेट ब्लॉग्स है इनका, हाय गाइस, हाँ आप देख सुन सकते हो, मैं गोपाल का साथी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहर हूँ, तो इनको भी जाके प्लीज सपोर्ट